बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ कि जिनके वालदैन इस दुनिया फ़ानी में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके वालदैन को लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालदैन इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, अल्लाह ताला उनके वालदैन की मगफरत फ़रमाए। आज का एक खूबसूरत सफ़र है जी दीना, और ज़िला झेलम की एक बड़ी ख़ास तहसील है दीना, तो उसकी तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ेदार खाने हैं उसके बाद पहले नाश्ता करेंगे, और उसके बाद जो और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने वगैरह हैं वहाँ के मज़ेदार हैं तो वो भी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि इनका जायका कैसा है। आपको भी पता चल सके कि दीना में भी खाने पीने के हवाले से चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। तो बस सफ़र का आगाज़ मैंने कर दिया है और आप पीछे देख सकते हैं कि मैं बाइक के ऊपर हूँ, और जिस तरह मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है तो आप लोग प्लीज़ ये चीज़ मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत से बड़े हादसात हो जाते हैं इस तरह। अच्छा जी, अब मैं पहुंच चुका हूं यहां पे दीना में, और बड़ा मशहूर नाश्ता है अमीन स्वीट्स एंड बेकर्स, और डोडा भी इनका बड़ा मतलब है, ये सरगोधा की बड़ी मशहूर सौगात है। तो अभी मैंने नाश्ता करना है, हलवा पूड़ी जो है ना वो तैयार हो रही है, और हलवा पूड़ी टेस्ट भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले मैं आया हुआ हूँ, तो एक्सप्लोर करना लाजमी था, क्योंकि पहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर का एक्सप्लोर किया सारा खाना, उसके बाद खड़ी शरीफ, तो आज ज़िला झेलम की एक बड़ी मशहूर तहसील है तहसील दीना, तो यहाँ पे जो भी खाने पीने के हवाले से चीज़ें मशहूर हैं वो आपको दिखाई जाएंगी। हलवा पूड़ी आप देख सकते हैं, और ये पूड़ी चेक करें अभी तक मतलब जिस तरह फूली हुई होती है, और ये सबसे बेहतरीन मतलब चीज़ निशानी होती है, अगर आप हलवा पूड़ी खाते हैं आपको एक्सपीरियंस हो तो ये सबसे एक अलग वैरायटी होती है, क्योंकि ये देखें अभी तक जो है ना ये इसी तरह बरकरार है, नहीं तो अगर आपने मुख्तलिफ़ जगह पर देखा होगा कि जैसी पूड़ी बनती है तो वो डंप कर जाती है, मतलब इस तरह बंद हो जाती है, लेकिन ये इसी तरह फूली हुई है। और साथ इन्होंने ये चने का सालन है, और चने बड़े मज़ेदार हैं। मैंने एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ कि यहाँ पे दीना में एक शख्स को उतारना था, उसने ट्रेन के ज़रिए से जाना था, तो सुबह सुबह का वक्त था, नाश्ता यहाँ पे जब मैंने किया तो बहुत मज़ेदार नाश्ता था, और साथ इन्होंने हलवा दिया, हलवा भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, और अभी मैं टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये कैसी बनी है। ओह हो, ये चेक करें, और कोई ऑयल वगैरह नहीं है, मज़ेदार हलवे के साथ जो है ना वो चेक किया पहले, और अब चने के साथ लगा के चेक करते हैं। ओह हो, चने के साथ ही मज़ेदार और हलवा भी मज़ेदार, और
जब कोई खाने पीने के वाले से बात हो और आपने पैसे भी दिए हों और खाने पीने का मज़ा भी ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये हलवा और साथ जो है ना वो चने, मैं कहता हूँ जी कि आज नाश्ता घर पे नहीं था किया हुआ, लेकिन यहाँ पे आके नाश्ता किया है तो पैसे पूरे हो गए। सामने नज़र आ रहे हैं ये गाने हैं, मतलब मेहंदी वाली रात जो है ना वो दूल्हे को और दुल्हन वगैरह को तैयार करके तो यहाँ से मतलब तैयार वगैरह किए जाते हैं। इसके अंदर मूंगफली इस तरह के ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो लगा के और इस खूबसूरत किस्म की जो है ना वो चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं और फिर उनको पहनाया जाता है। अमीन जो नाश्ते वाले थे उनसे तो हमने, अमीन बेकर्स जो स्वीट्स एंड बेकर्स थे उनसे नाश्ता वगैरह किया है। और यहाँ पे एक बड़ा मशहूर नाश्ता है जी, जो लोग दूर दूर से जो है ना वो यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के लिए आते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और अलमारूफ बूटा नाश्ते वाले और इनका नाश्ता बड़ा जो है ना वो मज़ेदार होता है। और अभी नाश्ते जो है ना वो पहले तो मैंने कर लिए हलवा पूड़ी के साथ, लेकिन आज डबल डबल नाश्ता कर रहा हूँ और चावल चने ये मैं यहाँ पे खाऊँगा और आपको बताता हूँ कि इसका जायका कैसा है। आहो पूरा बाजार फिर उ मैं पता किया है जी और केड़े को नाश्ते वाले आने जी, इधर बंदे बड़े दूरों आने खाने पीने वास्ते। वो चावल और चने मंगवाए हैं और यहाँ पे जब मैं विज़िट कर रहा था पूरा बाज़ार तो उन्होंने बताया जी कि बूटा नाश्ते वाले इनका बड़ा एक मशहूर नाश्ता है और ये मैंने मंगवाए हैं जी चावल और चने। और चावल और चने अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर टेस्टी और लजीज है ना तो वो यहाँ पे आएँ। और मैं अभी चेक करता हूँ जी, ओह हो मज़ेदार। और ये चावल चने मुकाबला कर रहे हैं चोहा सैदन शाह में, बड़े ही मज़ेदार और लजीज चावल चने बनते हैं। अगर आपने चोहा सैदन शाह जो ज़िला चकवाल की तहसील है, सेम वही टेस्ट है यहाँ पे। और ये चावल चनों के साथ इन्होंने अंडा भी दिया है, जो बॉयल अंडा है इसको बॉयल करके इन्होंने इसके अंदर डाला होता है। और उसके साथ ये रायता बड़ा ज़बरदस्त है। और रायते के बारे में मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जिस जगह भी आप जाएँ तो रायता उनका थिक होना चाहिए। अच्छी दही का अगर आपने या अच्छे रायते का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो वो रायता थिक होना चाहिए, मतलब पतला नहीं होना चाहिए जो रायता होगा। और साथ इन्होंने दिया जी सैलड वगैरह,
और चावल चने के बाद जो है ना वो ये नान चेक करें और साथ जो है ना वो चने और कोफ्ता। हाय हाय हाय, अगर आप दीना में आते हैं तो इस तरह की मज़ेदार खाने पीने के हवाले से चीज़ें, किसी ने इसके ऊपर वीडियोस वगैरह नहीं बनाई तो ये पहली वीडियो होगी आपको दीना और जो ज़िला झेलम की मशहूर तहसील है उसके कौन से खाने मशहूर हैं, ये आपको पहली दफ़ा वीडियो मिलेगी मेरी। ये है जी कोफ्ते चने और साथ जो है ना वो नान का एक स्पैक। और आज आपके भाई ने 3-4 दफ़ा नाश्ता किया ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा ये चेक करें जी कोफ्ता नान और साथ जो है ना ये रायता। कोफ्ता नान और जो रायता है उसका एक स्पैक चेक करें और ये भी टेस्ट करते हैं जी। और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है प्राइसेस इनकी, बहुत मुनासिब हैं और मज़ेदार नाश्ता। समोसा चाट और साथ जो है ना ये ड्यू, अपना ही एक इसका मज़ा है। और ये स्पैक चेक करें जी फैसल दही भल्ले और समोसा चाट। ओए होए 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 मज़ेदार। जब कॉलेज वगैरह पढ़ते थे तो यहाँ के 2-3 दोस्त थे दीना के, तो जब भी हमने कॉलेज से छुट्टी वगैरह होती थी तो प्रोग्राम यही होता था कि जी फैसल की जो चाट है समोसा चाट वो खानी है, और इनके जो स्पेशल जो चीज़ है वो दही भल्ले है। अमीन होटल पे हमने पहले मैंने जो है ना वो नाश्ता किया, उसके बाद जो पूरा एक बाज़ार था वो घूमा हूँ, और वो जब मैं बाज़ार वगैरह घूम रहा था तो मुझे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बूटा नाश्ते वाला, वो भी मैंने आपको दिखाया भी है और नाश्ता भी किया, तो डबल नाश्ता हो गया आज आपके भाई का। और तीसरी जो चीज़ थी वो अमीन ये फैसल जो दही वाले हैं, दही भले और समोसा चाट बड़ी मशहूर है उनकी, और इतनी हैवी वो वाली मतलब प्लेट थी जो समोसा चाट वाली। तो ये तीनों चीज़ें खाने के बाद मैं तो हो गया हूँ तकरीबन फुल। और एक और बात बताऊँ कि घर से जो है ना वो कॉल आ गई है, ज़रूरी कोई कॉल है तो काम था वहाँ पे बहुत ज़रूरी। तो ये तीन चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लोर की हैं और जो पूरा बाज़ार था यहाँ का दीना का। तो फिर जब कभी मेरा चक्कर लगा
तो इंशाल्लाह ताला जो सुपर अवान की जो शाही दाल है, मतलब देसी घी में उसको तड़का लगाया जाता है और बनाई जाती है, तो वो भी ट्राई करेंगे। और अल मक्का की जो बिरयानी है वहाँ की दीना की, वो भी किसी दिन ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने मुकम्मल जो है ना वो इसकी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करनी है इसके ऊपर, दीना तहसील के ऊपर। तो जब वो तैयार करूँगा तो उसमें ये दोनों चीज़ें भी इंशाल्लाह कवर कर दूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका दिल करे तो इसको आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।